Hey guys, what's up? Assalamu alaikum. This is Imai Khan और आज हम बात करेंगे i15 TWS ports की और i11 TWS ports की। हम इसको compare करेंगे कि किसकी battery अच्छी है, किसकी quality अच्छी है, ताकि फिर आपको आसानी हो खरीदने में, ठीक है? तो पहले हम करेंगे unboxing i15 ports की। हम box को खोलेंगे, तो देखते हैं कि एक ports charging case है और अंदर इसके दो पॉड्स मिलते हैं। जैसे हम खोलते हैं इसके अंदर लाइट्स लगते हैं ताकि पता चलता है कि ये ऑन हो गया, ठीक है। इसको हम साइड पे रखते हैं फिलहाल, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, बॉक्स के अंदर हमें मिलता है यूएसबी ए टू लाइटनिंग केबल चार्जिंग, जो इसको हम चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है हमारे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि दो जुबानों में है, एक इंग्लिश में, दूसरा चाइनीज में। अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपको। तो पहले बात करते हैं i11 TWS पॉड्स की, जिसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी टाइमिंग 1 से 1.5 घंटे तक है और इसकी क्वालिटी भी वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। इसमें जो मैग्नेटिक लेड होता है ये वैसी कनेक्ट नहीं होता जैसे कि एयरपॉड्स होते हैं, तो इसको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता है और इसको निकाल के पहले कनेक्ट करने पड़ते हैं और फिर ये जाके उसके साथ लग जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता है, सही है। इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि होने चाहिए। अगर हम साइज़ कंपैरिजन करें तो साइज़ में भी ये i15 TWS से बड़े हैं, जो कि नॉर्मल एयरपॉड से काफ़ी बड़े होते हैं, सही है। तो इसकी जो केसिंग आती है, जो आईफोन एयरपॉड्स की जो केसिंग आती है, इस पर ये पूरा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं i15 TWS पॉड्स की, जिसको मैं यूज़ कर चुका हूँ कुछ दिनों के लिए और ये इसकी जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 2.5 घंटे तक ये बैकअप देता है। कंपनी के मुताबिक तो ये 3 से 4 घंटे तक देता है, लेकिन रियली ये 2 से 2.5 घंटे तक बैटरी टाइमिंग है इसकी। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका साइज़ जो है बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स के जितना है। तो आप इसके लिए केसिंग खरीद सकते हैं, जो एप्पल एयरपॉड्स के लिए जो केस आता है वो इस पर फिट हो जाता है। और आप इसमें मैग्नेटिक जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल वैसी है जैसे एयरपॉड्स में है। जैसे आप इसको खोलते हैं, और अगर प्रीवियसली ये एक डिवाइस के साथ, मोबाइल के साथ कनेक्ट है, तो ये डायरेक्ट जैसे आप लेट खोलते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पहले से कनेक्ट नहीं है तो पहले आपको एक बार पेयर करना ज़रूरी है, और अगर आप इसका लेट बंद कर देते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक लाइट लगा हुआ होता है, जो ग्रीन लाइट है आप देख सकते हैं, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है। जैसे हम इसको निकालते हैं तो ये हम अभी रेडी है किसके लिए, हम इस पे म्यूजिक सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है जो मुझे i11 में नहीं मिली, कि यहाँ पे जो चार्जिंग लाइट है वो नहीं है i11 में। अगर आप जैसे आप देख सकते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि अभी चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरी बात ये कि i11 में दो पॉड्स में से एक में माइक होता है, जिसमें से एक में सिर्फ आप बात कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठे यूज़ करना होता है। लेकिन i15 में ऐसी कोई बात नहीं होती, इसको हम अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों में माइक होते हैं। और i11 में ये कनेक्टिविटी जो डायरेक्ट होती है वो नहीं होती, और i15 में डायरेक्ट मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम लेट खोलते हैं तो i11 में कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि इसको कनेक्ट करना होता है। और i15 में क्या होता है कि जैसे हम लेट खोलते हैं ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो जो i11 TWS पॉड्स है, दराज पे 900 से लेकर 1100 रुपए तक मिल जाते हैं, और i15 TWS पॉड जो है 2000 से 2500।